नमस्कार, यह खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां औरंगाबाद जिले के पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान भारी कामयाबी मिली है। बताते चले कि औरंगाबाद जिले के वारुण थाना के अंतर्गत जोगिया गुरु नानक लाइन्स होटल आजमाक 2 पर औरंगाबाद जिले के पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर मिली, जिसमें छापेमारी का अभियान चलाया गया। घटना की पुष्टि करते हुए औरंगाबाद जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वारुण प्रमुख के जोगिया गुरु नानक होटल पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया, जिसमें सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस इंस्पेक्टर अजीत कुमार शाह, वारुण प्रभारी थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहित सशस्त्र बल के सहयोग से लाइन होटल के संचालन मुखिया पति असगर कुदेन अंसारी एवं मोहम्मद अकबर के घर पर छापेमारी किया गया, जिसमें 3.1 किलोग्राम अफीम, 12.1 किलोग्राम डोडा चूर्ण, 6.6 किलोग्राम डोडा फल मिले। स्टीम नामक नींद की गोली 300 पीस, 20 सीसी अफीम भरा हुआ, 12 बोर की 4 गोली, 315 बोर की 4 गोली, 12 छोटी गोली तथा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम के बटखारा बरामद किया गया। श्री कुमार ने आगे कहा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है, तौकीर आलम, गोल्डन कुमार, मोहम्मद मकसूद आलम, सभी जोगिया निवासी थाना वारुण जिला औरंगाबाद तथा सिकंदर कुमार पिता शंकर माली निवासी डोबी थाना डोबी के गिरफ्तार किया गया। श्री कुमार ने आगे कहा कि विगत 2 जुलाई को मादक पदार्थ के अवैध व्यापार की सूचना मिली थी, जिसमें छापेमारी किया गया था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया एवं एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी। श्री कुमार ने आगे कहा कि औरंगाबाद पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस छापेमारी अभियान में शामिल पदाधिकारी एवं पुलिस के जवानों को रिवार्ड देने के लिए सरकार को अनुशंसा करते हुए भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उक्त कार्य में छापेमारी जारी है, शामिल व्यक्तियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए औरंगाबाद से विश्वनाथ आनंद की रिपोर्ट। क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में कुछ लोग जमा हुए हैं और वहां पर नशीले पदार्थ एकत्रित किए गए हैं। इस संबंध में सूचना के आलोक में एसडीपीओ और एएसपीओ टीम गठन किया गया और नानक होटल में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अफीम की बरामदगी हुई और उनके कर्मी